हाँ तो बच्चों आज हम देखेंगे 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या दिया है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब ये पोल दिया है हमें, ठीक है, और इसके टॉप से क्या किया है बच्चों, इसको ग्राउंड को बांधा हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पूछा है, मतलब इस पोल की हाइट कितनी है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, ये जो बांधा हुआ है ये ग्राउंड से कितना करता है बच्चों, 30 डिग्री करता है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल का हाइट निकालना है, ठीक है। तो मैं इस फिगर में नाम दे दूंगा, इसको दे दूंगा नाम यच, हाँ ठीक है। तो हमें एंगल पता है, सामने की एंगल के सामने की हाइट या साइड निकालना है, और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है। तो सामने का और हाइपोटेनियस ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के रिलेशन में आता है बच्चों, तो साइन के, ठीक है। तो कंसीडर साइन थीटा इज इक्वल कितना आएगा बच्चों, ए बी सामने की बाजू, ठीक है, सामने की साइड अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। तो साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू ए बी कितना है, यच डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है, 20 है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, साइन 30 कितना आता है, 1/2 इज इक्वल टू यच डिवाइडेड बाय 20। अब इधर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, देयरफॉर यच इज इक्वल टू 20 ऊपर जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, तो यच कितना आया बच्चों, 10 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या है, क्या मिल गया हमें, दी हाइट ऑफ द पोल कितना मिल गया बच्चों, h इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।